आपके हाथ में लठा लठा होने लगा था मैं बढ़िया ही कवरेज बना के लठ तो दुकान में हो है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सरकारी स्कूलों की है, जहां पे ग्राम पंचायतें खुद जो है वो मोर्चा संभाल रही हैं। नकल रहित परीक्षाएं हों इसके लिए खुद जो ग्रामीण हैं वो आगे आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिर्फ दो पुलिस कर्मचारी यहां पर मौजूद है, लेकिन दीवारों पर जिस तरह से आपने पहले की तस्वीरें देखी होंगी, दीवारों पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे नकल करवाने के लिए परीक्षाओं में, लेकिन इस बार कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, और ग्रामीण जो है वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या नाम है? मेरा नाम सैसन कुमार मलिक। ये कौन सा स्कूल है और क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? ये राजकीय उच्च विद्यालय आउलाना है। यहाँ हमारी ग्राम पंचायत नौकल ग्राम पंचायत आने के बाद ये कोशिश कर रही है कि हमारा स्कूल में जो सेंटर है वो पूर्ण रूप से सुचारू चले, और हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो पूर्ण रूप से इसका सहयोग कर रहे हैं, और हमारे पास स्टाफ भी बहुत अच्छा है। उस स्टाफ को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस स्टाफ की मदद करेंगे और इस सेंटर को पूर्ण रूप से चलाएंगे। तो आप ये सुबह आ जाते हो जब तक पेपर होता है? हाँ, यहाँ यहीं रहते हो? यहाँ सुबह आए हैं, और जब तक पेपर क्लोज होकर अपने उस पर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, यहीं पर इसकी सुरक्षा करोगे? सुरक्षा है हमारी जिम्मेवारी है। काफ़ी अच्छी बात है। क्या नाम है जी? राजकुमार है। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पे बच्चों की सहायता के लिए आए हैं, जो बच्चों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनको भगाने के लिए आए हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। किसी प्रकार का किसी से आदेश तो नहीं मिला आपको कि इस तरह का करो? ये खुद ही आप आए हो? हम ये खुद ही आए हैं कि यहाँ पर हमारे बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, सेंटर सुचारू रूप से चले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं, आपके बच्चे ही पेपर दे रहे होंगे यहाँ पे? हाँ, गाँव के कक्षे हूँ जी, ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, जोगेंद्र सिंह मेरा नाम है। अच्छा। और कल हेडमास्टर साहब ने मेरे को बुलाया था, भाई पेपर है कल और मदद करना। गाँव के बच्चे आए उनको सेंटर से दूर रखना, सेंटर न टूटे और पेपर ठीक से हो जाए बिना निकले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप ये देख सकते हैं परीक्षाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई व्यवधान इनमें नहीं है, और ग्रामीण खुद यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। ये देखो कुछ बच्चे जो हैं अब दीवारों पे चढ़े हैं, और उनको भगाने के लिए वहाँ से ग्रामीण खुद भाग रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं ग्रामीण। देखिए, बड़ी बात होती है। कुछ समय से जो है हमारा सिस्टम ऐसा हो गया था कि परीक्षाएं कराने के लिए नकल का सहारा लिया जाए, यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो बाहर से आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को ये समझ में आया कि ये देखो दीवारों पे देखिए बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस तरह से बाहर का हस्तक्षेप यहाँ पे होता है सेंटर में, तो कहीं ना कहीं ये हालात होते हैं कि सेंटर टूट जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सेंटर फिर ना जाने 30 किलोमीटर दूर आएगा, 50 किलोमीटर दूर आएगा, और ऐसे में जो है जो पेरेंट्स कह सकते हैं या ग्रामीण कह सकते हैं जो इस समय सुरक्षा कर रहे हैं, इनके साथ साथ ना जाने कितने ग्रामीणों को यानी कि कितने अभिभावकों को अपने बच्चे लेके जाने होते हैं पेपर दिलवाने के लिए, परीक्षाएं दिलवाने के लिए, और जिसमें बहुत परेशानी जो है इन ग्रामीणों को आती है। तो इससे अच्छा ये है कि ये अपने ही स्कूल में जहां पर सेंटर हो वहां पर मोर्चा संभालें और परीक्षा केंद्र को यहाँ से टूटने ना दें, और जिसकी वजह से अब देखिए आप कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर हैं आने की यहाँ पे किसी प्रकार से, लेकिन ग्रामीणों ने इतना अच्छा मोर्चा यहाँ पे संभाला हुआ है। ये तस्वीरें हैं गोहाना के गांव आहुलाना की।
जहां पर ग्रामीण जो है वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, हाथों में लाठी डंडे लेकर भी यहां पे घूम रहे हैं। किसी भी प्रकार की नकल ना हो या कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए जो है वो खुद ग्रामीण मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तो था स्कूल का जो बाहरी क्षेत्र उसका नज़ारा, और अब आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र, जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो कह सकते हैं नकल रहित परीक्षाएं हो रही हैं। एक मिनट।